मध्य प्रदेश के दतिया जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सोहन कृष्ण मुदगल ने यहां बताया कि जिले में 4120 स्व सहायता समूह के माध्यम से 51,000 गरीब, अति गरीब और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया है। शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत 32 करोड़ रुपये आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दिए गए हैं। वहीं 3,500 स्व सहायता समूहों की बहनों को 80 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से प्रदाय किए गए हैं। अब तक कुल 200 करोड़ रुपए स्व सहायता समूहों की बहनों के पास उपलब्ध हैं। लाडली बहना योजना के तहत जो महिलाएं स्व सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं उन्हें भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इन सभी महिलाओं की सालाना आय 1.5 लाख से ज़्यादा हो ऐसी शासन की कोशिश है। बसई में भी गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा के माध्यम से स्व सहायता समूह को 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। महिलाओं द्वारा स्थापित डेयरी में गाय के दूध को दिल्ली की मदर डेयरी को सप्लाई किए जाने की भी कोशिश की जा रही है। हमारी संवाददाता रनील लटोरिया ने डॉक्टर सोहन कृष्ण मुदगल से बात की। मैं डॉक्टर सोहन कृष्ण मुदगल, जिला परियोजना प्रबंधक, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला दतिया। दतिया में 4120 समूह के माध्यम से 51,000 स्व सहायता समूह से गरीब, अति गरीब परिवार की दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। दतिया में अब तक राज्य शासन के माध्यम से 32 करोड़ रुपए अभी तक इनको RF, CIF, VRF के रूप में प्राप्त हुए हैं। साथ ही इनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से CCL, कैश क्रेडिट लिंकेज से भी इनको लाभ दिया जाता है। और दतिया में अब तक 3500 स्व सहायता समूह की दीदियों को लगभग 80 करोड़ रुपये बैंकों के माध्यम से इनको प्रदाय किए गए हैं। कुल मिलाकर के हमारा जो कार्पस है वो अभी तक हो गया होगा 200 करोड़ का। 200 करोड़ रुपए अभी हमारी स्व सहायता समूह की दीदियों के पास उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो अपने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कर रही हैं। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना का भी शुभारम्भ किया है, उसमें हमारी स्व सहायता समूह की सभी दीदियाँ उसका लाभ ले रही हैं। साथ में जो दीदियाँ समूह से नहीं जुड़ी हैं और लाडली बहना हैं उनको भी समूह से जोड़ करके उन सभी दीदियों की सालाना आय 1.5 लाख रुपए या उससे अधिक करनी है, उसी को लेकर के ये सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हाल ही में अभी माननीय हमारे जो गृह मंत्री हैं और हमारे विधायक हैं दतिया से, उनके माध्यम से बसई में भी स्व सहायता समूह का एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माता टीला CLF की दीदियों को 1 करोड़ का चेक वितरण किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर एक आजीविका हाट बाज़ार का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर महिला आजीविका महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी भी मूर्त रूप लेगी, जो दीदियों के द्वारा दूध का उत्पाद किया जाता है उसका सही दाम मिले और वो सीधा दूध गाय का दूध भी इकट्ठे किया जाएगा जो दिल्ली मदर डेयरी को दिया जाएगा, उसको कदम A2 मिल्क जो कम्प्लीट फूड होता है।